नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधायक अरुण वोरा द्वारा मुख्यमंत्री की तुलना भगवान भोलेनाथ से करने पर दूर की राजनीति गरमाई। भाजपा ने इसे शर्मनाक बयान बताते हुए की विधायक अरुण वोरा की निंदा। भिलाई के टाउनशिप वासियों को हाफ बिजली बिल की सौगात मिलने पर विधायक देवेंद्र यादव ने आतिशबाजी कर मनाई खुशियां, तो वहीं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए विधायक पर लगाई आरोपों की झड़ी। और मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में व्याख्याता नियुक्त व आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न। सीएम भूपेश बघेल ने व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर किया आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र का वितरण। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर स्थित सीएम निवास में व्याख्याता नियुक्ति पत्र और हायर सेकेंडरी से आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे और उन्होंने शिक्षक भर्ती 2023 व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। दरअसल विशेष भर्ती अभियान चलाकर शिक्षकों की भर्ती की गई है, वही हायर सेकेंडरी से आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र भी यहाँ पर वितरित किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हायर सेकेंडरी के साथ आईटीआई कोर्स शुरू किया गया है। बहुत अच्छा लगा आप लोग मुख्यमंत्री निवास में आए और यहाँ प्रमाण पत्र वितरण हुआ और इसमें आप सब भागीदार बने। अभी तक के हमारी सरकार ने लगभग 27,000 शिक्षकों की भर्ती की है और जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, कोरोना काल के कारण से उस समय पहले में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अभी तत्काल ये नियुक्ति पत्र आज शुरुआत हुई है। फिर अभी क्रम चलेगा और लगातार सभी जो कल तक के बेरोजगार थे लेकिन आज बारोजगार हो गए हैं। और लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर ले जाना है, ये आज आपका संकल्प होना चाहिए। जहां भी आपकी ड्यूटी लगे पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं, उसे योग्य बनाएं और जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो हमारा संकल्प है उसे आपके माध्यम से पूरा हम करना चाहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद अग्रजी स्कूल हमने शुरू की, हिंदी स्कूल शुरू की, करीब 750 से अधिक स्कूल संचालित हमने किया और उसमें लगभग 4-4.5 लाख बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारी सबसे अच्छी योजनाओं में से एक योजना ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी माध्यम के, और इसमें ये जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से हमारे जो 10वीं पास आउट बच्चे थे, जो 11वीं पढ़ रहे थे, 12वीं पढ़ रहे हैं, 11वीं से ही हम लोगों ने आईटीआई का कोर्स कराना शुरू किया और 12वीं पास होते हुए उनके पास उसके हाथ में दो सर्टिफिकेट, एक 12वीं का और दूसरा आईटीआई का। आज रोजगार के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है, खासकर जो आईटीआई पास है। और इसीलिए क्योंकि 12वीं का पढ़ने के बाद फिर एक साल आईटीआई उसको ट्रेनिंग करना है तो और समय लगता है, तो इसमें यह है कि आप जैसे 12वीं पास करेंगे आप में एक सर्टिफिकेट होगा जो आपको ये बताता है कि आप इस फलाना ट्रेड में आप एक्सपर्ट हो गए हैं और उसके साथ साथ आप जॉब भी उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी नौनिहाल हैं, जितने हमारे नए जो पीढ़ी है वो उसके हाथ में वो हुनरमंद हो और उसके साथ साथ उसको रोजगार भी मिले। अभी जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम बना रहे हैं, शहर में भी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं
उसके पीछे उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग हैं जो आईटीआई कर ले, बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कर ले, बहुत सारे और डिप्लोमा कोर्स किए हैं, जो परंपरा गुरु से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार में जो काम कर रहे हैं, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास सेट नहीं है, उसके पास पानी बिजली और उस प्रकार के वातावरण नहीं है, तो वो सारी चीज हम लोग उपलब्ध कराएं ताकि जो लोग अपना व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उनको हम अवसर दें। 300 रुपए हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में किए, शहरी क्षेत्र में भी, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्रों में भी इस प्रकार के काम को हमने हाथ में लिया है ताकि हमारे बच्चे खाली नंबर बैठे रहे, क्योंकि जो आज का दिन जो बीत रहा है वो कल वापस हमको नहीं मिलेगा। तो आज आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग होना चाहिए और उसके श्रम के माध्यम से, उसे क्रिएटिविटी के माध्यम से हम लोग समाज के, देश के, प्रदेश के उन्नति में हम लगाएं, परिवार के उन्नति में लगाएं। तो वो जो श्रम दिवस है जो एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो कवायद किया जा रहा है उसी कारण से किया जा रहा है। मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बीएसपी क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को भी अब हाफ बिजली का बिल योजना का लाभ मिलेगा। राज्य शासन के ऊर्जा विभाग ने इसका आदेश जारी भी कर दिया है। इस आदेश के बाद बीएसपी क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल सहित अन्य लोगों ने आतिशबाजी कर लोगों के साथ इसकी खुशियां मनाई। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीएसपी कर्मियों को इसकी सौगात दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद और आभार करूंगा। उनके कुशल मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से भिलाई टाउनशिप के एरिया में, जहां पर पहले ये कहा जाता था कि ये बीएसपी क्षेत्र है इसलिए राज्य शासन यहां पर कुछ कार्य नहीं कर सकती, वहां बिजली बिल हाफ का भी लाभ मिल रहा है और रजिस्ट्री का भी, लीज का भी को भी पंजीयन कराया गया, टाइटल दिया जा रहा है। तो ये जो काम हुए हैं इससे निश्चित रूप से भिलाई की जनता, टाउनशिप की जनता में बेहद उत्साह है, खुशी है और यही कहूँगा कि इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान भिलाई पे रहे ताकि हम सब भिलाई वासियों के लिए अच्छे से अच्छे सौगात ला सकें। तो वही शुक्रवार की शाम राज्य शासन द्वारा की गई टाउनशिप में भी अब हाफ बिजली बिल का लाभ देने की घोषणा को पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनावी स्टंट बताया है। श्री पांडे ने अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार ने पूरे 5 साल तक लोगों को गुमराह किया और चुनाव के आखिरी में 2 महीने का मात्र 2.5-3 करोड़ माफ कर देंगे और वाहवाही लेकर वे लड्डू खा रहे हैं। वो लड्डू ऐसे ही निकलेगा जैसे पिछले समय लीज के मामले में 80 करोड़ रुपया की लूट इस सरकार के मुखिया और विधायक ने मिलके कर लिया और लड्डू इस बात का वो खा रहे हैं कि देखो हमने कैसा मूर्ख बनाया, पिछले 5 साल तक लोगों को गुमराह किया और आखिरी चुनाव के 2 महीने में 2 महीने का मात्र 2.5-3 करोड़ माफ कर देंगे और बाहवाही लेकर के वो लड्डू खा रहे हैं। कुछ लड्डू ऐसा दिखता है ना, पीला पीला होता है अंदर, लेकिन जो है पूरा भूरा भूरा निकल जाता है, वो लड्डू ऐसे ही निकलेगा जैसे पिछले समय लीज के मामले में निकला। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ के सहारे ही जीती है और इसके प्रमाण 2 बार लगातार बीएसपी के लोगों को पता लगा। पिछले दिनों लीज के संबंध में जो उन्होंने घोषणा की थी वो अब सब जो है सारा स्थिति साफ हो गया और फिर ये लगातार झूठ बोल रहे थे और मैं लगातार लोगों को इस बात के लिए आगाह करते आ रहा था कि ये फिर से झूठ बोल रहे हैं और ये देना नहीं चाहते और अब देने की मजबूरी हो गई क्योंकि चुनाव आ गया। हमारा पहला चरण लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि उस दिन धरना आंदोलन होगा 12 बजे से 4 बजे तक। गवर्नमेंट जाए तो मैंने कहा ना कि विधायक जी जाए और मुख्यमंत्री जी के अनुय विनय जो भी करें, जैसे भी चाहे धरना दें वहाँ, चाहे जो भी करें, और वो एक आदेश रिवाइज करना है कि ये 1 सितंबर 2023 की जगह 1/3/2019 से लागू है, अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। Bye.
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामधस साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहुनगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल, सेशन 2023-24, एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल, भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच, जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077111, 7773077122। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है।
केंद्र सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश से लगभग 86 लाख मीट्रिक टन धान की बंपर खरीदी करने का निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ के किसानों को दी गई सौगात को लेकर भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने पत्रकार वार्ता में राज्य की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। उपज का पूरा धान खरीदने का निर्णय लेने पर प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से आभार जताते हुए भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने शनिवार को दुर्ग भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता लेकर भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि धान खरीदी को लेकर भूपेश बघेल का कथन झूठा है। कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए 80% पैसा देती है। इस अवसर पर श्री पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में धान का समर्थन मूल्य 873 रुपए बढ़ा, साथ ही खाद में सब्सिडी बढ़ाकर 1.8 लाख करोड़ रुपए करके किसानों को बड़ी राहत दी गई। इस मौके पर प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को मिली सौगात का भाजपा इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसानों तक पहुंचाएगी और प्रयास करेगी कि प्रदेश का हर किसान प्रधानमंत्री मोदी को पोस्टकार्ड लिखकर धन्यवाद ज्ञापित करे। वहीं पत्रकार वार्ता में प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बार बार ये झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों का पूरा धान प्रदेश सरकार खरीदती है, जबकि सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार ने अब तक धान खरीदी के लिए प्रदेश सरकार को 74,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया है, जिसकी बदौलत प्रदेश के किसानों का धान खरीदा जा सका है। तो उनके पास है, बोल क्यों रहे? सीएम रनिंग का मैट्रिक के लिए थोड़ी होता है। 143 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा है, लिमिट तो काफी बढ़ा है। 1,30,00,000 टन इस बार खरीद रहे हैं। तो जितना राज्य सरकार बोल रही है उससे ज़्यादा केंद्र सरकार खरीद लेगी। देखिए, विपक्ष को पूरा अगर इस समय का देखेंगे तो सिर्फ वो राजनीति कर रहा था, ना तो मणिपुर के घटनाओं में कोई संवेदनशीलता दिखाई। विपक्ष बुलाता है कि मोदी जी आओ आओ, अजब मोदी जी आते हैं तो भाग जाते हैं। अब ये शुरू से है, बचपन में एक होता था ना, छू के भाग जाते थे, अब दौड़ा तो अब भाग जाते हैं। उनका संसद का सर्वाधिक दुरुपयोग जो है इस समय, ये पुराने यूपीए के जो नए गठबंधन नाम वाले हैं, इन लोगों ने किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने शनिवार को भारत माता की प्रतिमा के साथ सेक्टर 9 हुडको सेक्टर से आजादी की गौरव यात्रा निकाली। आजादी की गौरव यात्रा ने शनिवार को टाउनशिप के विभिन्न मार्गों पर भ्रमण कर 35 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। रविवार को ये गौरव यात्रा खुर्सीपार में प्रारंभ होगी। आजादी की गौरव यात्रा को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने जानकारी इस प्रकार से दी है। देखिए, भिलाई भारत का स्वरूप है और भिलाई में सभी धर्म समुदाय जाति समाज के लोग रहते हैं और सब में बहुत प्रेम है, आपसी एकता है। भारत की प्रभुता के लिए, अखंडता के लिए और देश की अस्मिता के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। युवाओं को संदेश देने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। 76 किलोमीटर की इस यात्रा में हर एक वर्ग का, हर एक धर्म का, हर एक समाज का, हर एक जाति के लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं और हम सब लोग मिलकर जो भारत की भावना है वही भिलाई की भावना है, एकता की, प्यार की, मोहब्बत की, एक दूसरे को सहयोग की, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इस संदेश को भी देने की कोशिश कर रहे हैं। भिलाई की जो स्थापना हुई है वो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के बाद यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें पूरे भारत के लोग आके यहाँ पर बड़े प्रेम से रहते हैं। छत्तीसगढ़ महातारी की कृपा है जिसके कारण ये एकता अखंडता बन पाई है, मिनी भारत का स्वरूप बन पाया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ महातारी है जो इतना प्यार करती है अपने बच्चों को कि सबको एक साथ अपने अंदर समा के रखती है। तो ये प्यार का संदेश देने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। साथ ही साथ जो हमारे PSUs हैं उसको बचाए रखने का भी संदेश इसमें है। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से हमारे कारखानों को बेचा जा रहा है, FSNL के
कल लोग मेरे पास आए थे, वो अपना दुख बता रहे थे कि उनको बेचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब देश हित में नहीं है, भिलाई हित में नहीं है। अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हमारे युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं आधार पर लटकेगा। जो आज के समय भिलाई स्टील प्लांट को बड़ी उम्मीद से देखते हैं, वहाँ पर उनके शासकीय करंट से जो एक पीएसयू का माहौल है उसको वो वातावरण भी। अरे बेटा सबके लिए अच्छा ही है और क्या है, सब लोग अच्छे रहो, इससे अच्छा कुछ नहीं बेटा, मिल के रहो। तेरहवीं वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली है, आज सुबह से ही पूरा भिलाई तिरंगे में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है आज़ादी के जश्न में। और जहाँ जहाँ भी जिस गली मोहल्ले स्ट्रीट से निकल रहे हैं वहाँ स्वस्फूर्ति बूढ़े बच्चे जवान छोटे छोटे बच्चे सारे लोग निकल कर आ रहे हैं और साथ साथ चल रहे हैं और ये हुजूम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और निश्चित तौर पर हमारे सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी और साथ ही साथ हमारे देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम मिनी इंडिया के लोग संकल्पित हैं। जी हमारे विधायक श्री देवेंद्र यादव जी की पहल से हम लोग की तिरंगा यात्रा सफल हो गया है आज। और विगत पिछले वर्ष भी हमने बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम किया था, इस बार भी पूरी भिलाई इसमें सम्मिलित हुआ है और हम लोग एकजुट होकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक हैं, भिलाईवासी एक हैं। क्षेत्रीय और स्कैंड के अवसर पर देवेंद्र यादव के नेतृत्व में आज भिलाई में जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है वो एक संदेश है युवाओं को कि देश में जैसे भिलाई जो है मिनी भारत है, मिनी इंडिया कहा जाता है, सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं, सब प्रभुता को बचा के रखते हैं। यहाँ पे एक संदेश देने के लिए एक यात्रा है, इसके लिए मैं देवेंद्र यादव को बधाई देता हूँ कि ऐसा यात्रा हर साल निकलना चाहिए। अवेयरनेस से लोग भीड़ देख के लग रहा है आपको अवेयरनेस कितना हो रहा है, सब इंटरेस्ट छोटे बच्चे सभी समाज के सभी धर्म के लोग इस रैली में शामिल हैं। झंडा केवल एक तीन रंगों का झंडा नहीं है साथियों, इसके पीछे हमारे क्रांतिवीरों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता ने अपने प्राणों की बलिदानी दी तब हमें ये तिरंगा प्राप्त हुआ। यूं ही तिरंगा प्राप्त आज हम नौजवान को ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे ऊर्जावान विधायक महोदय एक संदेश देना चाहता है कि ये हमारी आज़ादी ऐसी नहीं मिली, इसके पीछे हमारे कितनी मेहनत है, कितना रंग है, कितना पसीना है, कितने बुजुर्गों ने किए, ये तिरंगा को सलामत रखिए। जय हिंद जय भारत। आम लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य को लेकर शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के छात्रों ने तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली। इस तिरंगा साइकिल यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल हुए। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर संजय ओझा ने हरी झंडी दिखाकर इस तिरंगा साइकिल यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए शारदा पब्लिक स्कूल पहुंची और वहां से वापस शकुंतला विद्यालय पहुंची। तिरंगा रैली के दौरान बच्चों ने और अध्यापकों ने आज़ादी के नारे लगाए और सभी को आज़ादी के पर्व की बधाइयां दी और लोगों को उत्साहित भी किया कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी अपने घर तिरंगा लगाएं। चल, चल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज हमारे शकुंतला विद्यालय के बच्चों के द्वारा हम लोगों ने तिरंगा रैली का आयोजन किया और ये रैली पूरे रामनगर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए, कैंप का भ्रमण करते हुए वापस विद्यालय में समाप्त हुई है। तिरंगा रैली के मार्फत से हम लोग पूरे भारत में ये संदेश देना चाहते हैं अपने स्कूल के बच्चों के मार्फत से, अपने क्षेत्र के वासियों के मार्फत से कि आज़ादी के हम सब दीवाने हैं और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हम सब की उतनी भागीदारिता रहेगी जितना पूरे देश का है। लगभग 300 से लगभग 250 से 300 बच्चों लोगों ने पूरे इसमें पार्टिसिपेट किया। सर वो तो साहब बच्चों से ही पूछ लिया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ हमने रैली निकाली थी, बच्चों से ही पूछ लीजिए। पूरे रास्ते भर बच्चों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम और जय जवान जय किसान का रैली लगाया और पूरे क्षेत्र में इनके जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था सर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश माय डियर मास डियर पब्लिक अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Today I'm feeling very proud because we organized a cycle rally dedicating to our motherland, and I hope that, and I don't hope actually, I'm very sure
that the energy among the students is increasing day by day, and today I found that gesture in them. So I'm very proud and I'm very happy to be the part of this institution, because I'm feeling that spark inside our students, the patriotism, the feeling of patriotism and the dedication towards our motherland. So it's a very positive thing, and our PM Modi, our Honorable Prime Minister, he also warns the same thing, that more and more patriotism must arise among the youth. So this is the beginning, and I'm sure that we will be increasing this motive day by day. इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं. आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ. नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान. बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए. जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक. आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल. जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए. इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है. सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी. प्रवेश के लिए जल्दी करें. बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल. महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है. कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है. अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है. बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है. तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में. आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में. अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान. जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल. आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल. पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर. इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स. कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ. कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा. हमारा पता कमला मोटर, GE रोड गंजपारा दुर्ग. कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080. Thank you.
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय सामाजिक समागम कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जुटे समाज के प्रमुख, इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा संभाग स्तरीय सामाजिक समागम एवं समाज के प्रमुख जनों का सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार को दुर्ग के सिविल लाइन स्थित गोंडवाना भवन में किया गया, जिसमें कम जनसंख्या विभिन्न जातियों एवं पिछड़े वर्ग में आने वाले समस्त जातियों के लोगों एवं समाज प्रमुखों को एक स्थान पर एक समूह में लाकर जोड़ने का भरसक प्रयास किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में सैकड़ों की भीड़ नजर आई, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा अपनी पूरी कमरकस तैयारी कर ली है। आज हुए इस कार्यक्रम के मंच पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले सभी समाज प्रमुखों को मंच पर स्थान देकर उनका सम्मान भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज प्रमुखों सहित राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शामिल रहे और अपना उद्बोधन भी दिया और भाजपा की मजबूती बनाए रखने आह्वान भी किया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज दुर्ग संभाग में सामाजिक संगम का कार्यक्रम रखा गया है, और जिसमें आज इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के लक्ष्मण जी और साथ ही हमारे महामंत्री आदरणीय संगम गुप्ता जी और हमारे प्रभारीगण सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में और इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं और जो सर्व समाज के ऐतिहासिक कार्य किए हैं, वो सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए और इन समाज प्रमुखों को बुलाकर उनका सम्मान करते हुए उनसे आग्रह करने के लिए कि 2023 के चुनाव में आप सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग विधायक द्वारा मुख्यमंत्री की तुलना भगवान शंकर से करने को बेहद शर्मनाक बयान बताते हुए भाजपा के दुर्ग जिला उपाध्यक्ष केश चौहान ने कहा कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के पिता भगवान को अपशब्द कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक वोरा उनके बेटे की तुलना भगवान से करते हैं। ये निंदनीय है। दुर्ग विधायक केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता की भावनाओं से ना खेलें, ये असामाजिक कृत्य है। अपने अप्रासंगिक कृत्यों से दुर्ग और प्रदेश की जनता को शर्मसार ना करें। विधानसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा की छींटाकशी भी लगातार सुर्खियों में देखी जा रही है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने मीडिया से चर्चा के दौरान राज्य के मुखिया भूपेश बघेल की तुलना भगवान शंकर से ही कर डाली। जैसे हमारे भोले बाबा यहाँ बैठे हैं, वैसे प्रदेश में भूपेश बघेल के रूप में भोले बाबा है और वो सबका उद्धार कर जो उनके पास जाता है उनकी मांग को पूरी करते हैं। अब क्या बचा है, सब वर्ग को तो उन्होंने दिया है, तो अब वह मंदिर में आने के लिए तैयार नहीं है। तो वही दुर्ग विधायक के इस बयान पर भाजपा ने इसे अपमानजनक बयान बताया। दुर्ग विधायक के इस बयान को लेकर चर्चाओं का दौर भी देखा जा रहा है। इसकी घोर निंदा करते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता केश चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल कुर्सी बचाने के लिए विधायक अरुण वोरा जनता की भावना से ना खेले। बहुत ही शर्मनाक बयान विधायक अरुण वोरा जी का आया है, जिन्होंने भूपेश बघेल जी की तुलना शंकर भगवान से की है। उन भूपेश बघेल की तुलना शंकर भगवान से की है जिनके पिता ये बोलते हैं कि राम नहीं रावण को पूजो, जिनके पिता ये बोलते हैं कि वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण को समाज में टिकट नहीं मिलने चाहिए भले वो कोई भी दिल के हों, उनकी तुलना आप शंकर भगवान से करते हैं। शंकर भगवान ने तो विष पी के समाज को बचाया था, पृथ्वी को बचाया था, ये तो विष परोस के घर घर शराब बांट के अपना पेट भर रहे हैं। आप सिर्फ तुलना शंकर भगवान से सिर्फ इसलिए किए हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हो जाए, आप अपना राजनीतिक लाभ ले सके। विधायक जी, एक जनप्रतिनिधि की निष्ठा समाज के प्रति होनी चाहिए, अपने क्षेत्र के प्रति होनी चाहिए, अपने प्रदेश और देश के प्रति होनी चाहिए और जनता के प्रति होनी चाहिए, उसके बाद आपकी निष्ठा किसी दल के साथ होगी। ऐसे कुत्सित प्रयास आगे से आप ना करें और लोगों को मार्गदर्शन देना तो बहुत दूर, उनका मार्ग भटकाए मत, ऐसी हमारी अपेक्षा है आपसे।
दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के इस बयान को उनकी जबान फिसलना कहे या जानबूझकर वक्तव्य देना, ये उन्हें बेहतर पता होगा। लेकिन इतना तय है कि दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री को खुश करने के मकसद से ही उनकी तुलना भगवान शंकर से कर डाली। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है विपक्षी पार्टी का। बहरहाल दुर्ग विधायक अरुण वोरा के इस बयान से दुर्ग की राजनीति बेहद गर्मा गई है। वहीं भाजपा व आप पार्टी के नेताओं ने विधायक अरुण वोरा के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। दुर्ग आर्य नगर से राह चलते व्यक्ति से लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग में मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्य नगर पर हुई लूट की घटना में सड़क से गुजर रहे व्यक्ति से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसके बाद घटना की शिकायत मिलते ही दुर्ग पुलिस जाँच में जुट गयी। बता दें कि सड़क से गुजर रहे दुर्ग निवासी हेमंत चंद्राकर से आरोपी ऋषि कुमार यादव के द्वारा प्रार्थी हेमंत चंद्राकर को रास्ते में तेज धारदार हथियार दिखाकर पर्स मोबाइल सहित दुपहिया वाहन को लूट मौके से फरार हो गए, जिसके बाद हेमंत चंद्राकर ने स्थानीय थाना मोहन नगर में पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिस पर तत्काल प्रभाव से मोहन नगर थाना पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की पतासाजी में जुट गई। बता दें कि शुक्रवार की दोपहर दुर्ग निवासी हेमंत चंद्राकर अपनी निजी काम से घर जा रहा था, जिसे आरोपी ऋषि यादव ने चाकू दिखाकर 1400 नगद मोबाइल सहित उसके जुपिटर वाहन को लेकर भाग निकला, जिस पर थाने में हुई शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने प्रार्थी का मोबाइल ट्रेस कर आरोपी को कुछ ही देर में पकड़ लिया। मोहन नगर पुलिस थाना लाया गया, जिस पर अब आरोपी पर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। साथ ही आप सुनेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।